अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक संत हुए हैं जिनका नाम था बिल्वमंगल। एक संत हुए, बचपन से घर का त्याग किया, यमुना के किनारे बैठकर के हरि का भजन करते। संत बिल्वमंगल खूब भजन करते महाराज, सुबह से शाम तक बैठे बैठे गोविंद का चिंतन करते, हरि का भजन करते। कई वर्ष व्यतीत हो गए, यमुना का किनारा, कभी यमुना का दर्शन करते, कभी प्रभु को याद करके आंखें भर आते, कभी अश्रुपात होते, कभी परमात्मा को याद करके मुस्कुराते, कभी नृत्य करते। ऐसा भाव बिल्वमंगल का, यमुना का किनारा, यमुना के किनारे बैठ हरि चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। एक दिन की बात, सुबह का समय प्रातःकाल का, संत बिल्वमंगल बैठ करके प्रभु का चिंतन कर रहे हैं कि उसी समय सुबह सुबह एक नई नवेली दुल्हन होती ना, नगर की वधू, ओ नव नवेली दुल्हन, जिसके हाथ का मेहंदी का रंग भी गया नहीं, जुड़ा पहन करके सुंदर सा लाल वस्त्र का श्रृंगार करके, सुंदर दुल्हन का स्वरूप था, नया नया विवाह हुआ था। पुराने जमाने में नदी कुएं पे जल लेने जाते थे, पुराने जमाने में ओ स्त्री जल लेने गई। सुबह ही सुबह पांव में पायल बंधी है, पायल की झनकार हुई, थोड़े से नेत्र खुले, घड़ा लेकर के यमुना में डुबाया तो पानी भरते हुए तो आवाज होती है, जल की आवाज होती है। आंख खुली, बिल्वमंगल ने देखा तो एक सुंदर सी स्त्री, इतनी सुंदर महाराज, इतनी सुंदर दुल्हन थी, सुंदर सा श्रृंगार था, सुबह का समय था, पानी भरा देख करके अब आंख का भूत लग गया, ऐसा नेत्र का भूत चिपक गया। का तो बैठ करके सुबह माला लेकर के भजन कर रहे थे, का माला माला धर करके उठ खड़े हुए, ऐसे मोहित हुए कि आगे आगे वो सुंदर सी दुल्हन, नव नवेली दुल्हन, और पीछे पीछे संत बिल्वमंगल। चलते चलते उस स्त्री का घर आ गया। अब उसने घर में प्रवेश किया, बिल्वमंगल ये भूल गए कि मैं संत हूं, और किसी स्त्री का पीछा करते करते घर तक पहुंच गए। इतना नहीं महाराज, घर के अंदर प्रवेश कर दिया। धन्य हो सदग्रस्ती, संत का चोला देख करके सदग्रस्ती ने चरणों में प्रणाम किया, सुंदर सा आसन दिया, बिठाया, बाबा क्या सेवा करें। अब वो तो आंख का भूत लगाए, धर्मपत्नी से कहा, देवी देखो ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय, संत का दर्शन, संत हमारे घर पधारे। देवी कहती, अरे महाराज संत वंत कोई नहीं, हम जल लेने गए यमुना में तो बाबा हमारे पीछे पीछे आ गए। कहते, नहीं देवी, इन संत को हम कई वर्षों से जानते हैं, बड़े दिव्य संत है, तुम ऐसा करो जाकर के महाराज जी से पूछ के आओ, प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके बिल्वमंगल से कहती, बाबा बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आंख का भूत उतर गया, सदग्रस्ती का सद्भाव देख करके, सद्भावना देख करके नेत्र के दो दो भूत लगे थे सो उतर गए, रो पड़े, पश्चाताप हुआ। बिल्वमंगल कहते हैं, अरे भैया मैं कौन सा बड़ा, कितना बड़ा अपराध कर दिया आज, आज मैं इतना बड़ा अपराध करने चला गया, एक संत होकर के भगवान का भजन छोड़ करके मैं एक स्त्री को देखकर किसके पीछे लग गया। गलानी हुई, देवी दो सुए ले आओ, बोरी सिलने वाले होते ना बड़े बड़े, कहते हैं दो सुए ले आओ। देवी को लगा बाबा को जरूरत होगी, थाली में लेकर दो सुए आ गए महाराज। सुबह लिए बिल्वमंगल ने, आंख की पुटली के नीचे धर दिए, जोर से झटका दिया और दोनों नेत्र निकाल करके बाहर निकल गए। खूब
खून बहने लगा, वस्त्र लहूलुहान हो गए। स्त्री रोने लगी, चिल्लाने लगी, पति आए, बाबा क्या कर दिया तुम्हारे घर आकर के आपने इतना बड़ा अपराध, महाराज हमारा तो किसी काल में कल्याण नहीं होगा। बिल मंगल कहते, नहीं, मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम सदा सुखी रहो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। बाबा आपने ये ऐसा क्यों किया? बिल मंगल कहते हैं, बेटा ये आंख का भूत ऐसा लग गया, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, भगवान को छोड़ ये संसार का दर्शन करता है, या नेत्र का भूत लग गया, ना जाने ये आंख का भूत आज किस मलमूत्र के गड्ढे में जाकर गिरा देता, कोई विश्वास नहीं, ये आंख का भूत लग गया। मैंने आज ये दोनों भूत उतार दिए। सदग्रस्तियों ने चरण पकड़े, कहा बाबा आज के बाद आप हमारे घर रहिए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। बिलमंगल कहते, नहीं, वह सब समय आ गया है, मैं वृंदावन जाऊंगा। बाबा आप अंधे हो, कहाँ जाओगे? कहते कोई बात नहीं, निकल पड़े महाराज। चलते चलते आज बिलमंगल पूरा दिन चलते रहे, आंख के अंधे हैं, सो आज शाम के समय एक बड़े से गड्ढे में जाकर के, अंध कुएं में जाकर के गिर गए, दिखाई तो देता नहीं, बड़े से अंध कूप में गिर गए। बाहर निकलने का प्रयास क्या, निकल नहीं पाए, अंदर कुएं में बैठ करके प्रभु का चिंतन करने लगे, हरि का भजन करने लगे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक दिन, दो दिन, आज तीन दिन हो गए। भूखा प्यासे बिलमंगल उस गड्ढे में पड़े पड़े केवल कृष्ण हे कृष्ण। अब स्वर थोड़ा मंद हो गया क्योंकि तीन दिन के भूखे प्यासे, कृष्ण हे कृष्ण। आज महाराज प्रभु से रहा नहीं गया, मेरा वृंदावन विहारी आया, आकर के बाबा को आवाज लगाई, बाबा हाथ बड़ा, मैं तो को खींच करके बाहर निकाल दूं। बिलमंगल ने हाथ बढ़ाया, आज प्रथम बार मेरे ठाकुर का स्पर्श किया, देखते मेरे प्रभु ने गड्ढे से बिलमंगल को बाहर खींच दिया। पूछते बाबा कहाँ जा रहे? कहते लाला तू कौन? कन्हैया कहते बाबा मैं तो नेक्सो गुवारा हूं, गैया चराते चराते नेक्सो दूर आ गया, बाबा तू बता। बिलमंगल कहते हैं लाला बस मैं तो नेक्सो वृंदावन तक जाना है। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं बाबा, तो एक काम कर मेरे हाथ पकड़ ले बाबा, मैं तो को वृंदावन छोड़ाऊ। अब तो महाराज बिलमंगल ने मेरे गोविंद का हाथ पकड़ा है, आगे आगे मेरे ठाकुर है और पीछे पीछे बिलमंगल है। चलते चलते भगवान के चलने से पांव की पेंजनियां बजती है, छन छन करती हुई पेंजनियों की आवाज, परमात्मा है ना, मनुष्य शरीर से दुर्गंध निकलती है लेकिन परमात्मा दिव्य है इसलिए सदैव सुगंध निकलती है। पायल की छनछनाहट, पेंजनियां बज रही है और भगवान के दिव्य शरीर से महाराज दिव्य सुगंध निकल रही है। बिलमंगल को समझते देर नहीं लगी, जोर से पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं ला बाबा क्या कर रहे हो? बिलमंगल कहते हैं कुछ नहीं लाला, जान गया सो पकड़ लिया। बाबा क्या जान गए, क्यों पकड़ लिया? कहते मैं जान गया हूं कि आप साक्षात मेरे वृंदावन बिहारी हो इसलिए पकड़ लिया, जान गया सो पकड़ लिया। कन्या ने सोचा बाबा तो जान ही गए, धीरे धीरे चले, नटखट है कन्हैया कृष्ण, देखते देखते सब मौका देखा सो हाथ छुड़ा करके दूर भाग गए। जैसे कन्हैया दूर गए हैं महाराज, बिलमंगल कहते हैं बाएं छुड़ाएं जात हो रिवल जाए के मोह।
हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो